व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सीवाई गेमिंग के पीसी बिल्ड की एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से पीसी बिल्ड करने जाए हैं 25K का, यानी 25,000 का। और आज के अपने पीसी बिल्ड पर हमें सर्च किया है 25K पीसी बिल्ड, तो बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं 25K पीसी बिल्ड, 25K पीसी बिल्ड, पर इनमें से लगभग लगभग किसी में भी कोई ऐसा ग्राफिक कार्ड यूज नहीं किया है कि इसमें ग्राफिक कार्ड, हाँ हालांकि इसमें ग्राफिक कार्ड यूज है 25K वाला। इसलिए अभी जब भी टिकटॉक पर उस वाले पर यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं है ये भी। तो ठीक है, चलो चलते हैं अपने डिस्प्ले की तरफ कि अपने क्या इसके लिए डिसाइड किया है, क्या बेस्ट हो सकता है अपनी तरफ से पीसी बिल्ड में। तो चलो अपने पीसी बिल्ड के डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो हमने में इसमें यूज किया है प्रोसेसर i5 6th generation 6500 3.20 GB के साथ, 4 कोर 4 थ्रेड के साथ आता है। और हमने i5 का 6th generation यूज किया है जो कि एक इस रेंज के अनुसार बेस्ट अच्छा एक प्रोसेसर है। अगर आप इसके साथ GPU लगाते हो, बिना GPU तो ये इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा। इसमें आपको फैन इन व्हील मिल जाएगा या आपको खरीदना पड़ेगा। तो जो i5 का है 6th generation, और इसके अलावा हमारी नेक्स्ट चीज़ है हमने यूज किए 8 Kyulei की चिर 16 GB DDR4 3200 MHz वाली LC16M, जो कि एक काफ़ी खतरनाक 3 साल की वारंटी के साथ आती है, जो कि इस पीसी के लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि 16 GB RAM इनफ है किसी भी गेम को चलाने के लिए। चाहे भी आप 50,000 का पीसी बिल्ड को या फिर 25,000 का, 16 GB RAM काफ़ी है उसमें क्योंकि 16 GB RAM में सारे गेम ऑलमोस्ट क्या सभी गेम चल ही जाते हैं बिना किसी तकलीफ दिक्कत के। और इसके साथ अपना नेक्स्ट चीज़ है इसमें हमने ये गए MIT-X की 250 GB M.2 22 SC इंटरनल सोड साटा ड्राइव SSD, जिसकी अप टू 560 MB पर सेकंड एंड लो टू विल है, मतलब कम से कम 500 MB पर सेकंड ट्रांसपोर्ट करेगी। और इसकी 5 साल की वारंटी आती है, 256 GB आती है, ये इसकी कुछ है वारंटी, ये 5 साल की वारंटी हो गई। ये इसके नंबर हो गए MS2, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको देखने मिल जाएगी आप के वाले पे। हमने इसमें यूज़ किया है गिलोनिक्स X20 ATX गेमिंग कैबिनेट, कॉम्पोनेट कैबिनेट है और 4 RGB फैन के साथ आते हैं। फैन है इसमें, 3 आगे की तरफ है और 1 पीछे की तरफ है। और USB 2.0 है इसमें, USB 3.0 भी है इसमें, और SSD स्लॉट भी है, SSD स्लॉट है इसमें, वाह यार। और 7 है इसमें, मतलब ब्लैक कलर का है पूरा कैबिनेट, साइड में आगे की तरफ ग्लास है इसमें, जो कि इस पीसी को काफ़ी अच्छा कूलिंग प्रदान करते हैं। ग्लास होने से तो ये बाइक के वक्त अंदर नहीं खींच पाएगा, पर अंदर से ठंडा हो जाएगा। कुछ इमेजिंग देखे तो ये देखो, इसमें दिखाया है कि आगे से हवा को घींचता है आगे की तरफ, आगे से, और पीछे की तरफ ड्रॉप करता है। पर मेरे को ये नहीं समझ में आया ये आगे से हवा खींचेगा कैसे, आगे की तरफ तो इसके ग्लास है, या फिर उस ग्लास को हटाएंगे तब, हाँ ग्लास को हटाने के बाद ही हवा खींचेगा, पहले तो हवा खींच भी नहीं सकता आगे से। ये कुछ है यहाँ पे मदरबोर्ड आ जाएगा, 7 PCIe स्लॉट है। ये इसके साथ कलर कॉम्बिनेशन हेडफोन लुक एंड कूल काफ़ी तगड़ा दिखता है दिखने में भी। ये देखो 4 RGB फैन के साथ, ये कुछ इसका कैबिनेट स्लॉट, SSD स्लॉट बहुत सारे हैं इसमें। तो वो ये इसके बटन हो गए, मिनी पोर्ट हो गए, ऑटो क्यू बटन हो गया, ऑडियो बटन, और ये USB हो गया, ये USB 2.2 हो गया, और ये USB 3.0 हो गया, पावर स्टार्ट ऑन ऑफ बटन हो गए ये दोनों। ये कैबिनेट के कुछ आगे से लुक है, ये यहाँ से ये देख लो ऑलमोस्ट हाई हो चुके। तो इसके साथ अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो हमने जेबोने की ZX 500 वाट की नोट पावर सप्लाई यूज की है, जो कि 120 mm RGB फैन के साथ
आती है। इसमें एक्स टी 12 वाट की 28A मैक्स पावर कैपेसिटी है इसकी, जो कि इस बजट रेंज में आने वाली काफ़ी बेस्ट पावर सप्लाई हो जाएगी 1200 रुपये में। 550 वोल्ट की 500 वोल्ट की आती है ये। देखो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन भी मिल जाएगा, और ये इसकी कुछ अंदर से प्रक्रिया है। ये USB हो गए इतने सारे, ये इसके डाटा का केबल हो गए। ये IP52+1 3 साल की वारंटी के साथ आता है। ये आपको कंपनी वाले आपको 3 साल की वारंटी देती है, इसके साथ आता है ASUS का B4M VDH R40 Hockett AMD Pro Box B4 DDR4 को सपोर्ट करता है, और SATA 3 and USB 3 0.1 M2A GID मतलब मदरबोर्ड है। और इस प्राइस रेंज के अनुसार ये काफ़ी बेस्ट मदरबोर्ड देने वाला है। इसमें आपको 2 M स्लॉट, 1 GPU स्लॉट, एक आपको SSD स्लॉट यहाँ पे मिल जाएगा, और एक यहाँ पे GPU स्लॉट है। ये यहाँ का कुछ फुल लुक हो गया, और ये देखो, और ये सारे पोर्ट हो गए USB 2.0, USB 2.0, और ये अपना HDMI पोर्ट हो गया, USB 3.0 लेन पोर्ट हो गया, ऑडियो पोर्ट हो गए। और इसी के साथ अपने नेक्स्ट एंड अंतिम चीज़ पे बढ़े, तो वो है अपना मेन इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि हमने इस गेम में इस PC की ऑलमोस्ट क्या लगभग आधी कोस्ट के बाद ये अकेली चीज़ आती है। अपना 25,000 का PC है, और 22,000 की 12,000 की अकेली आती है। RX 590 GM 8 GB ग्राफिक कार्ड DDR5 को सपोर्ट करता है, 256 बिट PLL है, और 3.0x16.6 है, और एक काफ़ी गेमिंग के लिए काफ़ी बढ़िया, इससे बेस्ट काफ़ी कार्ड कोई नहीं हो सकता। 8 GB का काफ़ी कार्ड है, यूज किया हमने इसमें, और ड्यूबल फैन कूलिंग आती है इसमें, और इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती है इसको ठंडा करने के लिए। हाँ, हालांकि आपको इसमें एक्सटर्नल पावर की आवश्यकता होगी, जो कि आपको देनी होगी इसको USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, HD पोर्ट, HD पोर्ट का। ये कुछ इसके लुक है, ये इसकी AMD की तरफ से है रिक्वायरमेंट। आप भले ना वीडियो को पॉज करेंगे, तो आज का अपना इतना ही। तो ठीक है, अपने आज की PC को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की PC की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर और भी किसी PC की वीडियो देखनी हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल पर पहले भी बहुत सारे PC की वीडियो है, तो आप जाकर चेक कर लें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड बाय।